सात बहन भाई हैं, मैं अर्धो जिला में रहने वाला हूँ और मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरी चाय की दुकान है, मैं वो संभालता हूँ। और मेरे दो बड़े भाई हैं, मगर मम्मी खत्म हो जाने के कारण मेरे दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा होता था, इसीलिए मेरे भाई अलग रहते हैं और मैं अपनी छोटे बहन भाइयों को खिलाते रहता हूँ। इसी के कारण मैं कहीं पढ़ने भी नहीं जा पाता हूँ और अपने पापा के साथ कभी कभार रिक्शे भी चला जाता हूँ, कभी कभार दुकान पर सामान बेचता हूँ। मगर मैं कभी पढ़ने नहीं गया हूँ, मगर मैंने पहले पहले अपने बहन भाइयों को तो यह सोचा था कि मैं कुछ ही नहीं पढ़ा लिखा लूँगा, मैं नहीं पढ़ पाया मगर अपने बहन भाइयों को पढ़ाऊँगा। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि मम्मी के इलाज में मैंने बहुत सारे पैसे उधार दिए मेरे पापा ने और मैंने लिए थे, तो अभी हम कोई नहीं चुका पाए हैं। इसी के कारण मैं पैसे और भी उधार लेने पड़े हैं और अभी भी मैं पढ़ने नहीं जा पाता हूँ। मेरा जो बड़े वाले भैया हैं, मतलब मेरे पापा जो रिक्शा चलाते थे, वो भी एक पैसों से नहीं लिया था, मतलब खरीद के नहीं लाए थे। तो इसी के कारण मेरे पापा जो हैं उनका पैर कट गया था उससे रिक्शे से, इसी के लिए मैं मेरे भैया रिक्शा चलाते थे, तो मेरे भैया जो हैं वो हरदम कहते थे कि मैं अब भाभी के साथ चला चल, पापा को छोड़ दे, मगर मैं पापा को छोड़ के नहीं जाता था क्योंकि मम्मी मेरी नहीं और छोटे बहन भाई भी नहीं है, छोटे बहन भाई थे तो भैया के साथ चले गए थे, इसलिए मैं पापा को छोड़ के नहीं गया था और अपनी चाय की दुकान संभालता था। फिर धीरे धीरे एक बार मैं ऐसी रोड के पास मैंने अपनी दुकान लगाई थी, तो एक चेतना संस्था की तरफ से भैया आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम पढ़ना चाहते हो। मैंने कहा सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और मेरे पापा के पास भी इतने पैसे नहीं हैं जो मैं पढ़ा सकें, तो कहने लगे हम फ्री में पढ़ाते हैं, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा मेरे पापा से बात कर लो वरना ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगा पापा के बिना, तो कहने लगे पापा से ठीक है हम तुम्हारे बात करेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे पापा से बात की, तब मैं वहाँ पे पढ़ने जाने लगा, अपने छोटे बहन भाइयों को भी ले गया, तो अभी भी मैं वहाँ पे पढ़ने जाता हूँ और वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब बच्चों को देख देख के मैं भी ये मतलब मैं ये सोचता था कि मेरे इतने यहाँ पे कितने सारे मेरे दोस्त भी आते हैं, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं छाते के नीचे सब लोग खाना भी खाते थे बढ़िया बढ़िया, तो मुझे देख के वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगे। फिर मैं वहाँ पर डेली जाया करता था। फिर एक बार मैंने दस बच्चों को भी उस बस पे जोड़ा था और आज मैं वहाँ का मॉनिटर